Hi friends, at your service with a new video. एक बिल्कुल यूनिक वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। बहुत डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही यूनिक टॉपिक है। इससे पहले इस तरह की वीडियोस और इस तरह के टॉपिक्स पर किसी ने कोई वीडियो शेयर नहीं की, तो लिहाजा मैंने सोचा कि एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पियानिस्ट बनना चाहते हैं, जो कीबोर्डिस्ट बनना चाहते हैं और म्यूज़िक की इस डेप्थ को हासिल करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, कोई अच्छे टीचर्स नहीं हैं और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। बेसिकली म्यूज़िक को सीखने के लिए खुद साख्ता या खुद से क्रिएट करने से नहीं आता। इसको सीखने के लिए आपको या तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगाने चाहिए और या फिर एक अच्छे टीचर का सहारा लेना चाहिए। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है वन ऑक्टिव टू थर्ड ऑक्टिव एंड थर्ड ऑक्टिव टू फिफ्थ ऑक्टिव नोट्स एंड कॉर्ड्स जंप। जी हाँ, एक ऑक्टिव से तीसरे ऑक्टिव और तीसरे ऑक्टिव से पांचवे ऑक्टिव नोट्स के ज़रिए नोट्स टू नोट्स और कॉर्ड्स टू कॉर्ड्स जंप करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसे ये प्रैक्टिस के अलावा नहीं हो सकता। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको ग्रिप कर सकेंगे। आप देखेंगे बाज़ औक़ात आप साइड रीडिंग करते हैं। जब आप साइड रीडिंग करते हैं तो आपका फेस बिल्कुल नोटिशन के बोर्ड पर होता है, तो आपके नीचे जो नोट्स चल रहे होते हैं, आप जब साइड रीडिंग करते हैं तो वो नोट्स आपके नीचे से आउट हो जाते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि आप साइड रीडिंग को भी देखेंगे और नोट्स को भी आपके माइंड में होगा, इजीली आप वन ऑक्टिव से सेकंड ऑक्टिव जंप कर सकेंगे और इसी तरह लेफ्ट हैंड से थर्ड ऑक्टिव टू फर्स्ट ऑक्टिव जा सकें। तो मेरा आज का बेसिकली टॉपिक यही है। जंप इतनी ज़रूरी है म्यूज़िक में कि वेस्टर्न म्यूज़िक में आपके सामने जो पट्टी चल रही है ये मोज़ार्ट सोनाटा की है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये एक स्केल से हायर स्केल पर गए और किस तरह इन्होंने जंप की। तो लिहाजा सिम्फनीज, मोज़ार्ट, बेथोवन और शोपेंस, इन तमाम म्यूजिशियन ने इसको बड़ा क्लियरली अडॉप्ट किया और मैं भी आज इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ कि कैसे हम इस जंप को सीखें और हमारे पास वो कौन सी एक्सरसाइज हो जो हमें बूस्ट अप करे। तो लिहाजा प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं नए नए म्यूज़िक के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए मेरी आज की एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज। मेरी आज की एक्सरसाइज वन स्टेप टू थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप टू फिफ्थ स्टेप्स ट्यूटोरियल एक्सरसाइज के फोर स्टेप्स हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक्सरसाइज को सी मेजर से लिया है और जो मैंने नोट्स चूज़ किए हैं वो हैं रूट नोट सी मेजर थर्ड, डीमी फिफ्थ, जी एंड रूट नोट सी। अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट फ्रेज मेरा बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड फ्रेज, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में मैंने सेकेंड थर्ड ऑक्टिव की सी और सेकेंड ऑक्टिव की सी इनको टुगेदर प्ले करना है, लेकिन ये जंप है मेरा थर्ड ऑक्टिव से सेकेंड ऑक्टिव। और यही फ्रेज जो मैंने फर्स्ट खेला है मैंने इसी को खेलना है, लेकिन मैंने ई को स्किप करना है और फोर्थ ऑक्टिव और फिफ्थ ऑक्टिव को टुगेदर प्ले करना है, यहां से जंप यहां पे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो आपने देखा मैंने थर्ड ऑक्टिव एंड सेकंड ऑक्टिव, मेरा थंब और मेरी पिंकी फिंगर, ई स्किप, थंब और पिंकी फिंगर टुगेदर ई। थर्ड स्टेप, मेरा थर्ड स्टेप भी सेम पैटर्न पे है।
फोर्थ स्टेप भी मेरा सेम पैटर्न पे है। अब जब हम इन फोर स्टेप को एक साथ मिक्स करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का पैटर्न क्या बनता है और हम कैसे इस एक्सरसाइज को रेगुलर अपने एक्सरसाइज बुक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स जॉइंट दीज फोर स्टेप्स टुगेदर।